Hello everyone and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10 history chapter number 2, that is nationalism in India. और ये जो है 7th पार्ट है इस चैप्टर का. जो फर्स्ट 6 पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने पढ़ा था कि जो ग्रामीण इलाके थे उनमें दो मूवमेंट जो है चल रहे थे. एक चल रहा था पीजेंट्स के द्वारा और दूसरा चल रहा था ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा. मतलब एक जो है आंदोलन चल रहा था किसानों के द्वारा और दूसरा चल रहा था आदिवासी लोगों के द्वारा. अब देखो अवध पीजेंट मूवमेंट के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो सेकंड मूवमेंट था जो कि आदिवासी लोग जो है लड़ रहे थे उसके बारे में. अब देखो इस मूवमेंट के लिए हमारी बुक में जो है एक हेडिंग दे रखी है जो कि क्या है, ट्राइबल मूवमेंट इन द गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. आदिवासी लोग जो कि गुडैम हिल्स पर रहा करते थे आंध्र प्रदेश की, इनके द्वारा जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. देखो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो है ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ये भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे. अब ये क्यों परेशान थे? ये इसलिए परेशान थे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके जो है फॉरेस्ट जाने पे रोक लगा दी थी. अब देखो ये तो हम जानते ही हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये तो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे. जो आदिवासी लोग होते हैं ये तो पहले से डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे, चाहे अगर हम बात करें फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, वुड के लिए, इसके अलावा कैटल्स को चराने के लिए भी जो है ये डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनके फॉरेस्ट जाने पर रोक लगा दी तब क्या होता है, तो इनका जो है एक तरीके से रोजगार छिन जाता है, तो इनका जो है एक तरीके से लाइवलीहुड जो है अफेक्ट होने लगता है. ये आदिवासी लोग जो है अपना हक समझते थे इन फॉरेस्ट पे, क्योंकि जो इनकी पुरानी जनरेशन भी थी वो भी जो है इन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रही थी. उनके जो है फॉरेस्ट जाने पे रोक लगने के कारण इन्हें ये लगने लगा था इनके अधिकार जो है छिन चुके हैं. इसके अलावा ये परेशान थे बेगार के कारण भी, क्योंकि जो है इनसे भी जो है फोर्सफुली लेबर वर्क करवाया जाता था और जिसके बदले में इनको जो है पेमेंट नहीं मिलती थी. इन्हीं सभी कारणों के कारण जो है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ना चाहते थे, एक जो है मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे. अब जो है इस मूवमेंट को लड़ने में इनकी हेल्प करी थी किसने, अलूरी सीताराम राजू ने. ठीक है, इस मूवमेंट को लड़ने के लिए इनकी हेल्प करी थी अलूरी सीताराम राजू ने. अब जो ये पर्सन थे ये क्लेम करते थे कि इनके पास में जो है भविष्यवाणी करने की स्पेशल पावर्स है. इसके अलावा ये भी कहते थे कि गोली भी जो है इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. अब देखो सीताराम राजू जो है गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे. ये लोगों को बोलते थे कि खादी कपड़े पहनने चाहिए. इसके अलावा जो है लोगों को इन्होंने ये भी कहा था कि शराब नहीं पीनी चाहिए और लोगों को जो है शराब पीने से रोकते भी थे. लेकिन गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडिया पे जो है ये विश्वास नहीं रखते थे. इनका ये मानना था कि अगर हमें जो है आज़ादी लेनी है वो तो जो है लड़ाई लड़ करके ही जो है मिल सकती है. आप देखो 1920 में आदिवासी लोगों के साथ मिलकर के जो है इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका इन्होंने नाम रखा था गुरिल्ला मूवमेंट. इसमें इन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट के अंदर जो है ये लोग अटैक कर देते हैं पुलिस स्टेशन पे. ठीक है, इसके अलावा कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी जो है मारने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो अलूरी सीताराम थे इनको पकड़ लिया जाता है और 1924 में इन्हें मार दिया जाता है. ठीक है, अब ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग ट्राइबल मूवमेंट इन गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में तो पढ़ लिया हमने. ठीक है, इसके बारे में हम नोट्स में भी पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले अभी हम कवर कर लेते हैं डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट का थर्ड सब टॉपिक जो कि है स्वराज इन प्लांटेशन. इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. देखो स्वराज इन प्लांटेशन के बारे में अगर हम देखिए जो ये सब टॉपिक है इसके अंदर क्या दे रखा है, असम में कुछ ऐसे लोग थे जो प्लांटेशन वर्कर का काम करते थे टी गार्डन्स में. फिर 1859 में एक एक्ट पास कर दिया जाता है जिसका नाम रखा गया इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके हिसाब से कोई भी जो है टी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के जो है इन टी गार्डन्स को छोड़ करके नहीं जा सकता था. अब जो ये वर्कर्स थे इन्हें ये लगने लगा था कि इनकी जो है आज़ादी छिन गई है. फिर जो है गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में इन्हें पता चला. फिर जो है गांधी राज के बारे में इन्हें पता चला. इसके अलावा ये अफवाह भी फैल जाती है कि गांधी जी के इस मूवमेंट के बाद इन विलेजर्स को इनके ही विलेज में ज़मीनें मिलेंगी. तो ये प्लांटेशन वर्कर्स जो है अपनी फील्ड्स को छोड़ करके जाने लगते हैं. पर जब ये जा रहे थे तो इन्हें जो है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जो है पकड़ लिया जाता है और इनकी जो है बहुत ज़्यादा पिटाई करी जाती है. ठीक है, अब देखो दो जो टॉपिक थे उनके बारे में जो है हमने एक आइडिया ले लिया. एक हमने जो है ट्राइबल मूवमेंट इन गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ लिया. इसके अलावा स्वराज इन प्लांटेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं. अब देखो इनके बारे में, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं हमारे नोट्स में क्या दे रखा है. हमारे नोट्स में जो है रिबेलियन इन द कंट्री साइड के अंदर ही जो है जो सेकंड मूवमेंट था ट्राइबल मूवमेंट इन द गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में देखो क्या दे रखा है. तो देखो इशू क्या था, तो पहला दे रखा है कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज दी फॉरेस्ट एरियाज. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने जो है आदिवासी लोगों के फॉरेस्ट एरियाज में जाने पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा क्या दे रखा है, स्टॉप पीपल फ्रॉम एंटरिंग इन द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स और कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स. जो ये लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, इनको जो है इतनी भी परमिशन नहीं थी कि ये जो है अपने कैटल्स को लेके जा करके जो है उन्हें चरवा सके.
इसके अलावा जो है इनको ये परमिशन नहीं थी कि लकड़ियाँ काट सके, फ्रूट्स को जो है कलेक्ट कर सके. तो इससे क्या होता है, देयर लाइवलीहुड गॉट अफेक्टेड. इनका जो रोजगार था वो एक तरीके से जो है अफेक्ट होने लग जाता है, वो जो है एक तरीके से छिन जाता है. आगे क्या दे रखा है, दे फेल्ट देयर राइट्स वर बीइंग डिनाइड. इन्हें ये लगने लगा था कि इनके अधिकार जो है एक तरीके से छिन चुके हैं. ऑल्सो देवर फोर्स टू डू बेगार. ठीक है, इसके अलावा इन्हें फोर्स किया जाता था बेगार के लिए, मतलब इन्हें जो है फोर्सफुली जो है लेबर वर्क करना पड़ता था, जिसके बदले में जो है इन्हें पेमेंट भी नहीं मिलती थी. अब देखो किसकी एंट्री होती है, अब एंट्री होती है अलूरी सीताराम राजू की. अब ये कौन थे, ही क्लेम दैट ही हैज स्पेशल पावर टू मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड इवन सर्वाइव बुलेट्स. इनका ये कहना था कि इनके पास में ऐसी स्पेशल पावर्स हैं कि ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास में ऐसी पावर्स हैं कि ये जो है गोलियों को भी जो है अपने ऊपर ले सकते हैं, मतलब गोलियां भी जो है इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. इनके बारे में और क्या दे रखा है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, टोल्ड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग. ये जो है गांधी जी से जो है इंस्पायर्ड थे, इन्होंने जो है लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए कहा था, प्रेरित किया था. इसके अलावा जो है ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए, मतलब शराब छोड़ने के लिए भी जो है इन्होंने लोगों को प्रेरित किया और लोगों को कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए. इसके अलावा देखो इनके बारे में क्या दे रखा है, बट ही थॉट दैट इंडिया कुड बी लाइबरल ओनली बाय द फोर्स एंड नॉट बाय द नॉन वायलेंस. इनका ये मानना था कि अगर इंडिया के लोगों को आज़ादी चाहिए है तो वो आज़ादी जो है सिर्फ उन्हें लड़ाई लड़ करके ही मिल सकती है. ये जो है गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडिया पे जो है विश्वास नहीं रखते. ठीक है, इसके अलावा देखो क्या दे रखा है, ही लेड गोरिल्ला वेलफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, गोरिल्ला मूवमेंट इन 1920. मतलब इन्होंने जो है एक गोरिल्ला वेलफेयर स्टार्ट कर दिया था आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए, जिसके अंदर क्या हुआ, इन लोगों ने जो है मिलकर के मतलब जो आदिवासी लोग थे इन्होंने जो है अलूरी सीताराम के साथ में मिल करके अटैक कर दिया था पुलिस स्टेशन पे. इसके अलावा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको भी जो है मारने की कोशिश करी. अब देखो क्या होता है, जो सीताराम राजू थे इनको जो है पकड़ लिया जाता है और 1924 में इनको जो है मार दिया जाता है. अब देखो इसी टॉपिक के अंदर जो कि है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट के अंदर, थर्ड और लास्ट हमारा सब टॉपिक कौन सा है, स्वराज इन द प्लांटेशन. अब देखो इस सब टॉपिक के अंदर हमें जो है किसके बारे में पढ़ना है, जो प्लांटेशन वर्कर्स जो कि असम के टी गार्डन्स में काम करते थे उनके बारे में जो है ये सब टॉपिक है. देखो क्या हो रखा है इसके अंदर, देखो क्या दे रखा है इस सब टॉपिक के अंदर, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली. जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो कि टी गार्डन्स में काम करते थे असम के, उनके लिए जो है स्वराज का मतलब उनके लिए जो है इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था, कि उनके पास में ये आज़ादी हो कि कहीं पे भी वो जा सकें, कहीं पे भी जो है काम कर सकें. ठीक है, तो वही बात लिख रखी है. इसके अलावा क्या दे रखा है, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 विच प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लीविंग द प्लांटेशन वर्क विदाउट परमिशन. इनका प्रोटेस्ट, इनका जो है आंदोलन किसके खिलाफ था, जो एक एक्ट था जो कि 1859 में पास किया गया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके मुताबिक इन्हें जो है ये परमिशन नहीं थी कि बिना जो है परमिशन की ये अपने काम को छोड़ करके, इन टी गार्डन्स को छोड़ के जो है जा सके. ठीक है, मतलब इस एक्ट के मुताबिक जो है इन टी प्लांटेशन वर्कर्स को जो है ये परमिशन नहीं थी कि बिना किसी परमिशन के जो है ये उस गार्डन को छोड़ करके जा सके. इसके अलावा देखो क्या दे रखा है, दीज प्लांटेशन वर्कर्स वर्क्स इन द टी गार्डन्स ऑफ असम. ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ये जो है टी गार्डन्स के अंदर जो है काम करा करते थे जो कि असम में थे. इसके अलावा देखो क्या रखा है, दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन द लैंड इन देयर ओन विलेज. तो इनका ये मानना था कि गांधी जी के जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इन्हें जो है इनके ही गाँव में जो है ज़मीनें मिल जाएंगी. तो इन कारणों से क्या होता है, इनकी थोड़ी जो है उम्मीदें बढ़ने लगती हैं और फिर जो है ये इन टी गार्डन्स को छोड़कर जो है जाने लगते हैं. लेकिन फिर क्या होता है, Stranded on the way by the railway and the steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. ये जो है अटक जाते हैं रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक के वहाँ पे. ठीक है, और इन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है पकड़ लिया जाता है और इनकी जो है बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है. तो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है. थैंक यू.